हेलो व्यूवर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोती वर्क राधे राधे। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सेंटा क्लॉज का नेक्स्ट पार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख कर और इस वीडियो को पूरा सेंटा क्लॉज को पूरा बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे सेंटा क्लॉज जो मैं आपको बता रही हूँ बनाना। तो ये तो हमारे बने बनाए हैं और ये इनकी कैप है, जो कि मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में अलग से मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और यह था हमारा आधा अधूरा पार्ट, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने ये हाथ और ये पैर आपको बनाते हुए दिखाया था कि इसे कैसे बनाना है। नीचे में थोड़ा सा हमारा जो बाकी था वो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हमने आपको बनाया था और सेम इसी तरीके से इस तरफ मैंने बना लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने आपको कहा था सेम उसी तरीके से बनाना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। तो इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट इसे पिछली वीडियो में नहीं किया था इसलिए मैंने नहीं किया है। तो इसे कैसे कंप्लीट करना है चलिए अब देखते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो हमारा जो धागा है वो ये मोती में है, सामने वाली मोती में। अब आ जाएंगे हम, ये जो शेप है दोस्तों इस तरीके का गोल शेप रहेगा, ठीक है, छः मोतियों का। आपको क्या करना है कि इसे सामने ऐसे रखिए और जो सामने मोती आएगी सीधे उनको इस तरीके से कर दीजिए, ताकि ये इस तरीके शेप में आ जाए, ठीक है। अब जब इस तरीके शेप में आ जाएगा तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो अब आ जाइएगा आप इस वाली मोती में और इसके अंदर ऐड कीजिएगा तीन ब्लैक कलर की मोती। तो ये देखिए मैंने ले लिया है तीन मोती और इसी के पीछे से इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये ऐड हो गई और फिर आ जाएंगे हम इसी के अंदर जो हमने मोती ऐड की इसके अंदर, और इसमें फिर से हम ऐड करेंगे तीन मोती। तो ये तीन मोती लेके इसी के पीछे से हम ऐड कर देंगे। ये इस तरीके से ऐड हो गई। अब आ जाएंगे हम इसके अंदर और फिर ऐड करेंगे हम यहाँ पे दो मोती। तो ये देखिए दो मोती ले लिए मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आ जाएंगे इसके अंदर और फिर इसमें, तो मेरा धागा कम पड़ रहा है तो हम चलिए धागा ऐड कर लेते हैं। तो ये मैं इसमें से इस पीछे वाली मोती में आ जाऊंगी। तो चलिए धागा ऐड कर लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने धागा ऐड कर लिया है। अब दो मोती लेके इसके अंदर से ऐड करके फिर से हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो लाइन है इसे हमें दो दो मोती करके इसी तरीके से ऐड कर लेना है पूरा, देखिए जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है। अब यहाँ भी हम दो मोती ऐड करेंगे, दो मोती लेके इसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर इसके आगे भी यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो बार फिर से ऐड कर लिया, एक ये घर बना और एक ये घर। अब सामने आपको क्या करना है कि चारों तरफ हमें दो दो मोती ऐड करनी है, जैसे कि हमने किया। आगे की तरफ ये वाला एक घर बड़ा आपको दिखाई देगा, सेम इधर उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैं तीन मोती ऐड करूँगी, तो तीन मोती लेके इसके अंदर ऐड करूँगी, जिससे ये सामने वाला भी जो घर है वो बढ़ जाए। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी हो गया है। तो अब आ जाएंगे हम इसके अंदर, फिर आ जाएंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे हमें बनाना है पांच मोती। इसके अंदर आने के बाद ये जो मोती है इसके अंदर से ऐड करते हुए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये मोती और फिर नीचे वाली मोती में ऐड करते हुए फिर हम इसके अंदर आएंगे और इसमें ऐड करेंगे दो ब्लैक कलर की मोती।
तो दो ब्लैक कलर की मोती लेके फिर से मैं इस ब्लैक वाली मोती के अंदर से ऐड करते हुए बाहर निकालूंगी। तो ये आपको ऊपर की तरफ पांच मोती का घर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आ जाएंगे हम इसमें और फिर इसमें और फिर इसके अंदर। और इसमें हम फिर से ऐड करेंगे दो मोती, सॉरी हमें इसके अंदर रखना है। तो हम दो मोती फिर से ऐड करेंगे, सॉरी गाइस, हम आ जाएंगे इसी के अंदर, ठीक है। ये जो मोती है इस तरफ जो मोती है किनारे पे उसके अंदर, और इसमें हम एक मोती लेके दूसरी तरफ जो ये मोती है इसके किनारे पे ये जो मोती है इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये पांच मोती का घर आपको दिखाई देगा। फिर आ जाएंगे हम इसके अंदर, फिर इसके अंदर, तो आ जाएंगे हम इसके अंदर ऐड करने। और फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक ब्लैक कलर की मोती, और एक एक ब्लैक कलर की मोती ऐड करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। बट करना कैसे है, तो हम आ जाएंगे इसके अंदर, फिर आ जाएंगे इसके अंदर, फिर इसके अंदर आ जाएंगे, और फिर इसके अंदर। फिर आ जाएंगे हम इसके अंदर। अब हमें धागे में अभी जो है ब्लैक कलर की मोती ऐड नहीं करनी, बस धागे को इन मोतियों के अंदर से घुमा देना है जिससे कि ये मजबूत हो जाए। ये मैं बस इसलिए कर रही हूँ जिससे ये मजबूत हो जाए। तो आप भी घुमा दीजिएगा हो सके तो, बट अगर आपका धागा बहुत मोटा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मैं लगा रही हूँ गांठ, और अब मैं इसे कट कर दूँगी। ये मेरा गांठ लग गया, ये मेरा कट भी हो गया। अब इसका जो पैर है वो पूरी तरीके से बनके तैयार है। इसका पैर अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हम देख सकते हैं। तो अब चलिए बना लेते हैं हम इसका फ्रॉक। तो दोस्तों, तो इसका जो फ्रॉक है वो कुछ इस तरीके का होगा, इसमें आप देख सकते हो इस तरीके का, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए जैसे कि हम पीछे से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, आपको समझ में आएगा। तो इस सबसे पीछे जो है मैंने यहाँ पे गांठ लगा लिया है, और गांठ लगा के ये जो दो मुहा मोती है इसके अंदर हमें बनाना है। तो हम मैंने यहाँ पे गांठ लगाया और यहाँ पे जो है धागे को लेकर आ गई हूँ, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक रेड कलर की मोती, तीन वाइट कलर की मोती और फिर एक रेड कलर की मोती लेकर इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से ये ऐड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सामने वाली मोती है आ जाएंगे इसके अंदर, तो ये इसके अंदर हम आ गए। अभी हमने जो धागा सॉरी मोती ऐड की, अब आ जाएंगे हम इसके अंदर, और इसमें अब हम ऐड करेंगे तीन जो है वाइट कलर की मोती और एक जो है रेड कलर की मोती। अब इसे लेने के बाद हम नीचे का दो मुहा मोती लेना है, तो एक ये है एक ये है, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बट इधर से ऐड करेंगे पीछे से इसके,
यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारा जो हाथ होता है वो बन चुका है तो लग जाता है धागा, ये इस तरीके से ऐड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, धागे को इसके अंदर से घुमा लेंगे और फिर आ जाएंगे हम इस यहाँ पे। तो चलिए घुमा लेते हैं। तो देखिए मैंने धागे घुमा के यहाँ पे लेकर आ गई हूँ और फिर से मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक जो है रेड कलर की मोती और दो जो है तीन वाइट कलर की मोती, और इसे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फिर हम इस रेड वाले के नीचे अंदर भी ऐड करेंगे क्योंकि हमें अभी आगे भी बनाना है। तो ये देखिए हमारा धागा यहाँ पे आ गया है। तो मैं अब आ जाऊँगी फिर से इसके अंदर और यहाँ भी सेम उसी तरीके से एक लूँगी रेड कलर की मोती, उसके बाद तीन वाइट कलर की मोती और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसी तरीके से दोस्तों इस लाइन को हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये राउंड की तरह घूम के यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे मैं तीन वाइट कलर की मोती ऐड कर रही हूँ। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इस तरीके से ऐड हो गया। अभी जो नीचे वाला है इसके अंदर ऐड करके खींच लेंगे हम और फिर मैं आ जाऊँगी इसके अंदर और यहाँ पे गांठ लगा के इसे कट कर दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा गांठ लगाया और इसे कट कर दिया और इस तरीके से हमारा जो फ्रॉक है वो बनके तैयार है। तो आप देख सकते हो अब हमें बस इनका दाढ़ी बनाना है और इनका जो गिफ्ट वाला पाउच है वो बनाना है। तो गिफ्ट वाला पाउच मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगी और उसके बाद उसे ज्वाइन कर कैसे किया जाता है वो बताएंगे और उसी में आपको इनका दाढ़ी बना दूंगी और इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और कैप तो हमने आपको बता ही दिया है जैसे कि आप इनको देख सकते हो, सेम इसी तरीके से हमारा ये जो पार्ट है ये बन के तैयार हो जाएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।